नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शख्सियत। मैं हूं आपके साथ अंशुल। कोरबा शहर, जिसे छत्तीसगढ़ की ऊर्जा धानी भी कहा जाता है, और यहां के उद्योग ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस शहर की एक अलग पहचान दर्ज करवाई है। बालको, जो कि भारत की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम कंपनी है, HECL का गेवरा माइंस, जो कि एशिया का सबसे बड़ा ओपन कास्ट माइन है, साथ ही NTPC, जिसने ऊर्जा के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान रचा है। एक ऐसे ही ऊर्जावान नेता से आज हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं। शख्सियत में आज हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं जयसिंह अग्रवाल से। जयसिंह अग्रवाल, जो कि 10 सालों से निरंतर कोरबा शहर का नेतृत्व कर रहे हैं और इस क्षेत्र में विधायक के रूप में स्थापित हैं। तो चलिए देखते हैं उनके जीवन से जुड़ी ये छोटी सी कहानी। छत्तीसगढ़ का कोरबा शहर, जिसे प्रदेश की ऊर्जा धानी के नाम से भी जाना जाता है, बालको, SECL, NTPC जैसे उद्योगों ने कोरबा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर कोरबा ने पिछले सालों में अभूतपूर्व प्रगति की है। बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ शहर एक स्मार्ट सिटी के तौर पर भी तेजी से उभर रहा है। कोरबा की इस बदलती तस्वीर के पीछे कई लोगों का योगदान रहा है, पर कोरबा के विकास में जिसने प्रमुख रूप से अपनी भूमिका निभाई है, वो है क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जयसिंह अग्रवाल। एक आंदोलनकारी नेता के तौर पर पहचान रखने वाले जयसिंह अग्रवाल ने छात्र जीवन से ही जनता से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता के साथ हर मंच पर उठाया। कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित जयसिंह अग्रवाल ने पार्टी की ओर से दी गई हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। हर वर्ग और समाज के बीच अच्छी पैठ रखने वाले जयसिंह कोरबा के विकास की वजह जनता के प्यार और कार्यकर्ताओं के सहयोग को मानते हैं। मां स्वर्गीय शांति देवी को अपनी प्रेरणा मानने वाले जयसिंह अग्रवाल ने अपनी माता के नाम पर ही स्वर्गीय शांति देवी मेमोरियल सोसाइटी की स्थापना की। मकसद था माँ से मिले समाज सेवा के भाव को आगे बढ़ाना। आज इस संस्था के माध्यम से क्षेत्र में कई सामाजिक और धार्मिक कार्य सफलतापूर्वक किए जा रहे हैं। समाज सेवा को ही अपना परम धर्म मानने वाले जयसिंह अग्रवाल की पत्नी रेणु अग्रवाल भी कोरबा में महापौर के पद पर रहते हुए विकास के कार्यों को आगे बढ़ा रही हैं। मेरा ऐसा कोई लक्ष्य नहीं था कि मुझे कुछ पद मिले या मैं कुछ बनूं। मुझे जनता का सेवा करना अपने हाथों से स्वयं अच्छा लगता था। तो हमने सबसे पहले यहाँ के कोरबा की पानी की समस्या दूर की है, और मूलभूत समस्या जो सरसर वार्ड में हमने एक ही, ये नहीं कि विपक्ष का अगर पार्षद है तो उस वार्ड में काम नहीं है, हमारी एक ही सोच है सब वार्डों में सरसर वार्ड में एक जैसा काम किया। 2008 में मैंने इस कंपनी की शुरुआत की, तो मैंने उस समय मेरी दादी जी गुजर चुकी थी, तो क्योंकि उनसे काफ़ी प्रेरणा मिली थी तो इसलिए हमने उनके नाम से ही कंपनी शुरू की। उनके नाम से हमने एक सोसाइटी भी बनाई है, शांति देवी मेमोरियल सोसाइटी, जो कि कोरबा में विभिन्न रूप से कई किस्म के सोशल कॉजेज में काम करती है। होता है कि लड़की शादियों के घर जाती है तो ऐसे बहू का रोल करती है, बट मुझे यहाँ एक बहू का, एक बेटी का, एक समाज सेविका का, तो ये मेरे लिए बहुत ही एक सौभाग्य की बात है कि मैं मेरी इस घर पे शादी हुई। हमारे यहाँ मतलब एक छोटा सा स्टाफ को भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मम्मी जी पापा जी उनकी उतनी ही मदद करते हैं। अगर कोई बड़े घर से आए या छोटे घर से आए, सबको मतलब इक्वल ही ट्रीट किया जाता है। हमेशा उपलब्ध रहते हैं, कभी भी कोई मजदूर गिर गया या कुछ चोट लग गई किसी प्रकार की, तो उनके सहायता में हमेशा तत्पर रहते हैं। बहुत अच्छा, आज तक तो ऐसा विधायक मिला ही नहीं, ये प्रथम विधायक हैं जो हमारे सुख दुख में साथ रहते हैं। इतवारी बाजार के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। ये बाजार में शेड डलवाया गया है और इनका नवीनीकरण किया गया है, ये इनके योगदान से ही हुआ है। इसके अलावा कोरबा शहर में जो भी समस्या आती है उसके लिए निरंतर जो है ये प्रयास रहते हैं उसको हल करने के लिए। विधायक जी ने जो ये बस स्टैंड 1.5 साल से उबड़ खाबड़ पड़ा हुआ था, तो इस बस स्टैंड में डामरीकरण हुआ है, पुराना बस स्टैंड में भी हुआ है, जो लाइटें नहीं जल रही थी तो लाइटों का भी मतलब पूरा काम क्रम हुआ है। क्योंकि वो दर्द को जानते हैं कि गरीबों का दर्द क्या होता है, बाकी लोग गरीबों का दर्द ही नहीं जान रहे हैं।
आया के बातें छोड़ो भैया, बाजार तो हमारे ऐसे काम कर दिए कि पूरा रोशनी रोशनी कर दिए कोरबा शहर में। मेरा ये कहना है कि सारे दरवाजे बंद होने के बाद जयसिंह अग्रवाल जी जो निश्चित रूप से हमारे लिए, हमारे पूरे संघ के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है, ऐतिहासिक काम किया है। और मैं आपको जानकारी दे दूं, छत्तीसगढ़ में कहीं पर भी मेरी जानकारी में सेपरेट बार रूम अधिवक्ता संघ का भवन सेपरेट रूम से कहीं पर भी नहीं है। श्री जयसिंह अग्रवाल जी इतने सक्रिय विधायक है, शायद छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई विधायक होगा। विपक्षी विधायक होने के बावजूद भी यदि कोई व्यक्ति उनके पास जाता है तो इमिडिएटली तुरंत उनको फोन करता है संबंधित के बारे में कि क्या है कैसा है। वो ये नहीं देखता कि ये मेरे पार्टी के व्यक्ति हैं कि नहीं। प्रॉपर्टी टैक्स को लेके एक उन्होंने जो केस लगाया था कि प्रॉपर्टी टैक्स का जो क्या बोलते हैं स्लैब है वो गलत है, तो उसमें उन्होंने हाईकोर्ट में केस लगाया था, उसमें उनको रिलीफ मिली और वो हाईकोर्ट से एक निर्णय आया है जो कि उनके पक्ष में आया है, जिससे कि सभी को जितनी भी जनता है सभी को खास करके इंडस्ट्रीज वालों को भी और व्यापारियों को सबको फायदा होगा उसमें। बराबर आना जाना करता है, अभी ये सतनाम मंच को वही बनवाया है और ये मिहर समाज वाले मंच को बनवाया था वो, और ये जो अभी ये बना है दुर्गा पंडाल वो पार्षद मत से बना हुआ है। हमारे लड़ाई में सबसे बड़ा साथ हमारा विधायक जयसिंह अग्रवाल जी दिए थे। सब जगह गए, सब स्थानीय नेताओं के पास गए, मंत्री लेवल में जाके भी बात की है, एनटीपीसी से भी चर्चा की है, जीएम लोग से, कोई नहीं ध्यान दिया। उसके बाद हम लोग जयसिंह भैया के पास में गए, फिर वो हमारे लड़ाई लड़े हैं और फिर यहाँ हम लोग को बसाहट दिए। दोस्तों शख्सियत में आज हम चर्चा कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की ऊर्जाधानी कोरबा के लोकप्रिय विधायक जयसिंह अग्रवाल जी से। जयसिंह जी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। सबसे पहले ये बताइए कि आपकी पृष्ठभूमि कहाँ रही, पढ़ाई से कहाँ से हुई आपकी? मैंने यहाँ आदिवासी स्कूल से पढ़ाई की शुरुआत की और हायर सेकेंडरी स्कूल में मैं प्रेसिडेंट बना जी। उसके बाद हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रेसिडेंट रहते हुए 1980 में हमने, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी पहली बार सीएम बन के कोरबा आगमन हो रहा था उनका जी, तो वो स्टेट ट्रांसपोर्ट के डिपो का शिलान्यास करने वाले थे और हमने कोरबा में रिक्शा में माइक बांध के अनाउंस करना शुरू किया कि पीजी कॉलेज यहाँ खुलना चाहिए। अच्छा। और उसके लिए हमारा जो प्रयास था वो सफल रहा और रात के 12:15 तक जब हम लोग घूमते रहे तो थाने से वहाँ के दरोगा ने आके बताया, साथ में तहसीलदार थे, कि अर्जुन सिंह जी कल पीजी कॉलेज का भी भूमि पूजन करने के लिए तैयार हैं। जयसिंह जी आप साडा के अध्यक्ष भी रहे, इसके अलावा आप पिछले 10 सालों से इस पूरे क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं और बहुत ही युवा अवस्था से ही आपने लोगों की एक आवाज प्रखर की हर मंच पर जाकर, तो वो कैसा दौर था और खासकर समाज सेवा के पाठ को चुनने का क्या कारण रहा, संघर्ष कैसा था आपका उन दिनों में? देखिए समाज सेवा का हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि कोई किसी पार्टी के साथ मतलब एक्टिव पॉलिटिक्स में हमारे कोई नहीं था, लेकिन हमारा परिवार जो है वो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा का था और उसमें कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ हमारे भाई लोग भी चुनाव में काम करते थे और उसके बाद हमारी जो माताजी थी वो धार्मिक प्रवृत्ति की थी, धर्म के प्रति उनका काफी लगाव था, कोई व्यक्ति हमारे दरवाजे से खाली नहीं जाने देती थी हमारी माताजी, उनको कुछ न कुछ सामान देती जरूर थी। वहीं से साथ साथ जब स्कूल की राजनीति, फिर कॉलेज की राजनीति और फिर साडा का अध्यक्ष बनने के बाद हमने ये एक संकल्प लिया कि क्षेत्र की सेवा करना है। धार्मिक और सामाजिक बहुत से काम किए हैं, जैसे मैंने सामूहिक विवाह का आयोजन किया, इतना भव्य आयोजन किया जो सरकार भी कभी नहीं कर पाई। इसके साथ साथ विभिन्न मंदिरों में बड़े बड़े भंडारों का आयोजन किया, आज भी करता हूं मैं, जिसमें 10-10, 15-15 हजार लोग शामिल होते हैं भंडारे में। इसके साथ साथ क्रिकेट का आयोजन और यहाँ तक कि जब मैंने साडा अध्यक्ष रहते कोरबा का सबसे बड़ा विशाल स्टेडियम
जो अधूरा पड़ा था उसको पूरा करा के तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह जी से उसका लोकार्पण कराया, तो मैंने संतोष ट्रॉफी कराई थी जो 8 प्रदेशों की फुटबॉल टीमें उसमें शामिल हुई थी। जो काम लोग सालों नहीं कर पाते उन कामों को हमने मिनटों में सैंक्शन कराया। जैसे सामान्य वर्ग के लिए यहाँ ITI नहीं थी तो NTPC की एक मीटिंग चल रही थी, उस मीटिंग में हमने कहा कि मीटिंग से पहले आप ITI सैंक्शन करिए और तत्काल 5 मिनट के अंदर हमने सामान्य वर्ग के लिए ITI जो है 10 करोड़ रुपए की सैंक्शन कराई। जयसिंह जी, आपने जिस प्रकार से बताया कि आपका एक पारिवारिक पृष्ठभूमि ही रही है समाज सेवा की और माता से जो आपको एक प्रेरणा मिली कि समाज के प्रति अपने दायित्वों को निभाया जाए, उस दौर के कोरबा और आज इस दौर के अर्जुन सिंह के समय के कोरबा और इस दौर के कोरबा में आप क्या अंतर देखते हैं और कैसे देखते हैं कोरबा शहर? कोरबा का जितना डेवलपमेंट हुआ जी उसमें मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोरबा हमारा 400 की आबादी का एक छोटा सा गांव हुआ करता था जो कोरबा पुरानी बस्ती, और वहां से जब कोयला की खदानें खुली वो कांग्रेस के शासन काल में खुली जी, उसके बाद आपका यहाँ पावर प्लांट खुले वो भी कांग्रेस की देन रही, एल्युमिनियम का कारखाना खुला बालको का वो भी कांग्रेस की देन रही, जो पिछली जब निगम के चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से निर्देश हुए कि तुम्हारी धर्मपत्नी को निगम के महापौर का चुनाव लड़ाना है और जिताना है जी। क्योंकि कांग्रेस में इससे पहले कोई महापौर नहीं बन पाया था जी। तो हमारी धर्मपत्नी श्रीमती रेणु अग्रवाल को कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया जी। विषम परिस्थितियों के बावजूद यहाँ पे छत्तीसगढ़ सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आए, 1.5 दिन रहे और उसके बाद यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की महापौर बनाने में हम लोग सफल रहे। काफी युवा अवस्था से आपने एक संघर्ष के तहत अपने राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाया, कई आंदोलन आपने किए और खासकर वो दौर था जैसा कि आप बता रहे थे कि अर्जुन सिंह के समय, जबकि वो कांग्रेस का ही दौर था, आपने यहाँ के क्षेत्र की जनता के लिए आवाज उनके सामने भी प्रखर की, चाहे वो विश्वविद्यालय की बात हो या किसी भी। तो क्या ये आंदोलन का जो आपका एक चरित्र है वो शुरू से ही रहा या जनता के प्रति? मैं स्कूल टाइम से, मैंने बताया ना कि संघर्ष करते हुए आ रहा हूँ और स्कूल के समय भी आंदोलन किया। कोरबा मैंने कहा कि औद्योगिक नगरी है, औद्योगिक जिला है और यहाँ काफी संख्या में जो श्रमिक काम करते हैं, विशेष करके कोयला की खदानों में हजारों की तादाद में जो श्रमिक हैं जी जी, और वो उनकी बहुत सी समस्याएं हैं, भू विस्थापितों की समस्याएं हैं। सबसे बड़ा कोरबा का भू विस्थापितों का आंदोलन मैंने किया जिसमें 4,000 से ज्यादा भू विस्थापितों ने उस आंदोलन में हिस्सा लिया। रेलवे के लिए, रेलवे की मांगों के लिए भी हमने पिछले विधायक के कार्यकाल में 5.5 घंटा तक पूरे कोयला लेके जो गाड़ियां जाती हैं उनको, सवारी गाड़ियों सहित जो कोरबा और गेवरा स्टेशन के बीच में हमने पटरी को जाम किया था 5.5 घंटे तक। अच्छा। और उसमें लगभग 5,000 लोगों ने हिस्सा लिया था। बात करें जल की, तो एक जलावर्धन आपकी एक बड़ा प्रोजेक्ट है जी। उस पे किस तरीके का काम कर रहा है, ताकि काम चल रहा है ताकि आपकी क्षेत्र की जनता शुद्ध जल पा सके? देखिए कोरबा में कोयला की जो खदाने हैं जी, वो चारों तरफ खदाने हैं जी, 4-4 एरिया कोरबा जिले में है। और सबसे बड़ी समस्या मुझे 1.5 दशक के कार्यकाल से मैं देखते आ रहा था, एक अगर समस्या होती थी तो पानी की होती थी। अच्छा। इसलिए जब हमारी पिछली जो यूपीए की कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी उस समय भैया डॉक्टर चरणदास महन जी केंद्र मंत्री थे जी। और हमारे शहरी विकास मंत्री आदरणीय कमलनाथ जी थे, तो हमने यहाँ से प्रस्ताव बनवा के नगर निगम के माध्यम से, आयुक्त के माध्यम से, और उसको भिजवाया था जी। और भैया डॉक्टर चरणदास महन जी ने कमलनाथ जी से 134 करोड़ रुपए सेंक्शन कराया था, जो मेरे 59 वार्ड में से 42 वार्ड उसमें आते हैं जी। कोरबा के नदी इस पार के वो 42 वार्डों का काम पूर्ण हो चुका है और उसमें लगभग लोगों के घरों में नल कनेक्शन लग चुके हैं। नगर निगम की महापौर हमारी धर्मपत्नी है, मैं विधायक हूँ, उसमें निर्देश दिए हुए हैं कि हर व्यक्ति को जो नल कनेक्शन लगाए जा रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट लगाए जा रहे हैं। अच्छा, NTPC का जो मजदूरों का एक विस्थापन वाला मामला था जिसके लिए आपने पूरे परिवारों को विस्थापन करवाया, आपने शासन के सामने भी इस बात को रखी, वो क्या था? और NTPC प्लांट की बाउंड्री और NTPC प्रमाइसिस की बाउंड्री के बीच में एक लेबर कॉलोनी कहलाती थी, उसमें लगभग 400 झोपड़ियां थी जी।
जो लगभग 30-40 साल से व्यवस्थाओं के लिए, वहाँ के सुविधाओं के लिए जूझ रहे थे जी। लेकिन वहाँ कई लोगों ने राजनीति तो की लेकिन उनकी सुविधाओं की ओर ध्यान नहीं दिया। तो जब मैं पिछली बार जब विधायक था तो उस समय कलेक्टर से मिलके और एनटीपीसी के जीएम को बुला के हम लोगों ने मीटिंग की और उसमें यह तय हुआ कि कलेक्टर ने कहा कि जमीन मैं देने को तैयार हूँ और एनटीपीसी से हमने कहा कि भाई आप सुविधाएं दीजिए, उसमें बिजली पानी सड़क आप करेंगे। जमीन कलेक्टर से लिए, बिजली पानी सड़क की सुविधाएं एनटीपीसी से करवाए और हमने उसमें मध्यस्थता करके वहाँ पे 14 एकड़ जमीन में डेवलपमेंट करा के और जितने भी वहाँ उस लेबर कॉलोनी में घर थे उन सबको 867 फीट का अलॉटमेंट ऑर्डर दिला के उन सबको वहाँ बसवा दिया। पे बालको द्वारा सेंट्रल स्कूल संचालित किया जाता था, उसमें बालको ने राज्य सरकार से मिल के और उस सेंट्रल स्कूल को बंद कर दिया कि हमारे बच्चे नॉमिनल हैं, बाकी सब बाहरी बच्चे हैं और बेवजह उनको 1 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, ये बोल के उन्होंने उस स्कूल को बंद कर दिया। तो हमने भैया डॉक्टर चरणदास मेहन जी से बोल के उसमें पहल कराई और केंद्र सरकार से एक केंद्रीय विद्यालय अलग से सिविलियन के लिए उसको सेंक्शन करा दिया और उसी उस विद्यालय को उसी बिल्डिंग में भी संचालित है क्योंकि बिल्डिंग बीसीपीपी बालको की है और जब तक नया भवन नहीं बन जाता वहाँ संचालित है। और अभी नए भवन का काम बड़ी तेजी के साथ चल रहा है इंडियन ऑयल डिपो के सामने, जैसे ही वो भवन पूरा होगा वो स्कूल वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। उस स्कूल का सेंक्शन एक महत्वपूर्ण मुद्दा था तो भैया डॉक्टर चरणदास महन जी के माध्यम से उसे कराया गया था जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि 10 साल आपने यहाँ पर लोगों का नेतृत्व किया, लोगों की आवाज बनकर हर मंच पे आप खड़े हुए हैं जी। आने वाले समय में जनता का प्यार इसी तरीके से आपको मिलता है और पार्टी की ओर से अधिक जिम्मेदारी आपको फिर से प्रदान की जाती है, ऐसी परिस्थिति में कोरबा शहर के लिए आपने और क्या सोच के रखा है, क्या दर्शन है आपका आपके कोरबा शहर के लिए? देखिए कोरबा शहर की जो मुख्य जो समस्या है पानी की थी वो तो मैंने आपको बताई दी जी। शिक्षा और चिकित्सा की जो कमी है उसमें एक बड़ा काम महन जी के प्रयास से जो ESI हॉस्पिटल बन रहे हैं, यहाँ जो छोटे छोटे जो हॉस्पिटल खोले गए जो उप स्वास्थ्य केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, लेकिन उसके बाद भी मैं चिकित्सा के मामले में मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हूँ कि कोरबा क्षेत्र की जनता को सुविधाएं मिल रही है ठीक। और साथ में शिक्षा के मामले में ये अलग बात है कि शिक्षा के मामले में इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया और रोजगार नहीं मिलने की वजह से आज उस इंजीनियरिंग कॉलेज में 20% से ऊपर ज्यादा सीटें नहीं भरी, काफी सीटें खाली पड़ी हुई है। लेकिन उसके बाद भी ये ऐसा नहीं है कि रोजगार नहीं मिलेगा तो कॉलेज में बच्चे नहीं पढ़ेंगे, हम तो ये कहेंगे हम ऐसे अवसर पैदा कर देंगे कोरबा में कि लोगों को रोजगार मिले और आगे चल के भी अच्छे से अच्छे इंजीनियर पढ़ के कोरबा से निकले। हाउसिंग बोर्ड ने कॉलोनियां तो बना दी लेकिन जन सुविधाओं की ओर ध्यान नहीं दिया गया, उनके डेवलपमेंट नहीं किया गया कि लोगों को जो बाकी सुविधाएं मिले हाँ। उनका भी हमारे दिमाग में है जी। इसके साथ साथ आपका यहाँ एक बहुत बड़ा मुद्दा था आपका, जैसे हजारों की तादाद में मकान दुकान बनाए गए जो साडा के समय बनाए गए अधिकांश, लेकिन वो फ्री होल्ड नहीं पाए इसलिए महापौर जी ने प्रस्ताव पास करके राज्य सरकार के पास भेजा हुआ है कि उनको जो लीज है जो उनकी उनको फ्री होल्ड कर दिया जाहे ताकि लोगों को उसकी बैंक में चाहे गिरवी रखना हो या और अन्य कामों में हो, मतलब उनको उस प्लाट का मकान का मालिक बना दिया जाए। जैसा कि आपने बताया कि क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एरिया है और शहरी जनता का यहाँ पर काफी विकास हुआ है, बात यदि करें गांव की तो ग्रामीण क्षेत्र में विकास का क्या स्तर रहा है जो कि आपके विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? देखिए मेरे विधानसभा क्षेत्र में 20-22 गांव आते हैं टोटल मिला के, जैसे एक वार्ड है उस वार्ड में 2 गांव है 3 गांव ऐसा, कुछ दर्री के उस पार हैं, कुछ इधर जो पहले रामपुर विधानसभा हुआ करते थे वो हैं जी। मैं यही कहूंगा कि आप अगर उस गांव में जाएंगे तो जो हमने और महापौर ने मिलकर जो वहां का डेवलपमेंट कराया है जी। वो गांव के लोग पहले हमसे कहते थे कि भैया हमको पंचायत में शामिल करा दो ताकि हमको ग्रामीण क्षेत्र की सुविधाएं मिल सके। आज उन्हीं गांव के लोगों से आप जाके पूछेंगे तो एक एक गांव का व्यक्ति ये कहेगा कि भैया पूरी गांव को हर गांव को डामरीकरण सड़कों से जोड़ दिया गया है, गांव के भीतर की जो सड़कें उनमें काफी मात्रा में सीसी रोड बना दिए गए हैं, नालियों का निर्माण कर दिया गया है, इसके साथ साथ बहुत से गांव को स्ट्रीट लाइट से जोड़ दिया गया है,
श्रीमती रेणु अग्रवाल जब 2015 में महापौर बनी तो 15 जनवरी को जब उन्होंने चार्ज लिया और उसके बाद 31 मार्च को पहला बजट पेश किया तो उन्होंने टैक्स कम करने का प्रस्ताव पास किया MIC से भी और सामान्य सभा से जी। उसके बाद तत्कालीन आयुक्त ने उसको लागू नहीं किया जी। उसको पेचीदगियों में उलझाने के लिए राज्य सरकार के पास भेज दिया जी। 2016 में उन्होंने फिर बजट पेश किया, फिर टैक्स कम करने का सेम प्रस्ताव पास किया और उसके बाद भी उन्होंने लागू नहीं किया, बल्कि 1 अप्रैल 2016 को तत्कालीन आयुक्त अजय अग्रवाल ने टैक्स 50% बढ़ाने का आदेश पारित कर दिया राज्य सरकार के दबाव में। तो हमने हाई कोर्ट में याचिका दायर की और अभी याचिका का हमारा फैसला भी हो चुका है। माननीय उच्च न्यायालय ने एक बहुत ही बड़ा आदेश पारित किया है कि जो 50% टैक्स बढ़ाया गया था उस आदेश को निरस्त कर दिया गया आयुक्त के आदेश को, और जो टैक्स महापौर ने कम करने का प्रस्ताव पास किया था उसको लागू करने का भी आदेश पारित हो चुका है। दोस्तों, शख्सियत में आज हमने चर्चा की जयसिंह अग्रवाल से, जो कि ऊर्जा धानी के दो बार के विधायक रह चुके हैं और लगातार 10 सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। एक होता है जनता का नेता और एक होता है राजनेता। राजनेता तो आपको ढेरों मिल जाएंगे लेकिन जनता के नेता बहुत कम मिलते हैं, और जयसिंह अग्रवाल उन्हीं जननेताओं के तौर पर, उसी जननेता के तौर पर इस क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं, और हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं कि वो इसी तरीके से जनता की सेवा करते रहें। दोस्तों, शख्सियत में आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही शख्स से जिससे चर्चा करेंगे उनके कामों के बारे में। तब तक आप मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप लगातार देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।